हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हरिकृष्ण मल्लिक फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज वीडियो समस्त इम्पोर्टेंट, दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल, नॉट फॉर प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। ओके, तो आज आम पॉलिटिकल साइंस रो एमती गोटे चैप्टर पढ़वा, जो चैप्टर रे आम जो चैप्टर समस्त इम्पोर्टेंट, जी पॉलिटिकल साइंस पढ़ुंट से मैं धारा विषय इंटरेस्टेड, धारा आर्टिकल जानापी आम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया आम संविधान रो धारा जानापी जो मैंने इंटरेस्टेड से वीडियो ए वीडियो आम आज देखा जे संघीय राष्ट्रर भारत भारत भली एक संघीय राष्ट्रर संविधान यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, यूनियन आउ स्टेट रिलेशनशिप बा केन्द्र और राज्य मध्य जो संपर्क गुड़िक अच्छी से संपर्क गुड़ी को कौ कौ भाग में व्यक्त कर तार क्यों क्यों धारा तक वर्णना कर। ओके, तो आज आम धारा पढ़वा केतोटी सातोटी आठटी धारा पढ़वा आज, तो धीरे धीरे आम पढ़ी पढ़ी चलवा। तो ये स्पेशल वीडियो सीरीज आम एवं चल दुई तीन टी सर पर्यटन धारा जो ये केन्द्र और राज्य मध्य संपर्क सरला पर्यंत आम स्पेशल वीडियो सीरीज चलो। ओके, तो ये जो फर्स्ट स्पेशल वीडियो सीरीज रे आमे देखिबा द यूनियन स्टेट रिलेशंस। ओके, यूनियन स्टेट रिलेशंस केन्द्र ओ राज्य मध्य संपर्क, ठीक अच्छे केन्द्र ओ राज्य मध्य संपर्क को आमे तीन भाग में विभक्त करमे नुहे जी को ये संपर्क विषय जी आलोचना करम संविधान आम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया आम संविधान को तीन भाग में विभक्त कर यूनियन स्टेट रिलेशन को कौन कौन ना तीन भाग जो विभक्त कर गोटे कौन तुम फर्स्ट है व्यवस्थापिक संपर्क, देन सेकंड है प्रशासनिक संपर्क, देन थर्ड है आर्थिक संपर्क। देख आम लिखिद यूनियन ऑफ स्टेट रिलेशनशिप को यूनियन ऑफ स्टेट्स रिलेशन को कत भाग में विभक्त कराई तीन भाग कौन कौन गोटे तुम व्यवस्थापिक संपर्क देन सेकंड प्रशासनिक संपर्क, ओके देन थर्ड आर्थिक संपर्क, लेजिस्लेटिव रिलेशन legislative relations, administrative relations, then economic relation, देखो देखो ये तीनोटी रिलेशन आम पढ़वा जे यूनियन आउ स्टेट केन्द्र और राज्य मध्य संपर्क को यही तीनोटी भाव तीनोटी भाग में व्यक्त कर गोटे लेजिस्लेटिव रिलेशन, गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन, आउ गोटे इकोनॉमिक रिलेशन। तो आम तीनोटी संपर्क विषय पढ़वा, तीनोटी संपर्क में किसी किसी धारा ये तीनोटी संपर्क विषय वर्णना कर धारा को पढ़वा से आर्टिकल को पढ़वा जहाँ संविधान में लिखाई। ओके, तो आमर यो यूनियन स्टेट रिलेशंस केन्द्र राज्य मध्य संपर्क एकादश भाग आउ द्वादश भाग में आलोचना कराई संविधान जो भाग अच्छे ना आम संविधान इलेवेन्थ आउ ट्वेल्थ इलेवेन्थ सेक्शन आउ ट्वेल्थ सेक्शन रे इलेवेन्थ एकादश भाग आउ द्वादश भाग रे यूनियन स्टेट रिलेशंस को आलोचना कराई वर्णना कराई एकादश भाग आउ द्वादश भाग रे। ओके, एकादश भाग रे व्यवस्थापिका संपर्क और प्रशासनिक संपर्क, द्वादश भाग रे आर्थिक संपर्क। तमें ये जो आर्थिक संपर्क वर्णना कर द्वादश भाग ट्वेल्थ सेक्शन ले आउ जो व्यवस्थापिका संपर्क और प्रशासनिक संपर्क एक वर्णना कर इलेवेन्थ सेक्शन रे बा एकादश भाग रे। तो ये जो एकादश भाग रे प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर कौन व्यवस्थापिका संपर्क विषय आउ इलेवेन्थ सेक्शन रो सेकेंड चैप्टर कौन प्रशासनिक संपर्क विषय। ओके, देख आउ थे क्लियर करदे आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया भारत जो संविधान अच्छी भारत संविधान एकादश भाग आउ
आउ द्वादश भाग रे व्यवस्थापिका संपर्क प्रशासनिक संपर्क आर्थिक संपर्क बा केंद्र आ राज्य मध्ये रे संपर्क को आलोचना कर जाय छी केउ भाग रे एकादश भाग आउ द्वादश भाग रे केउ संपर्क लेजिस्लेटिव रिलेशन बा व्यवस्थापिका संपर्क एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बा प्रशासनिक संपर्क इकोनॉमिक रिलेशन बा आर्थिक संपर्क 11 भाग रे बा एकादश भाग रे 11th सेक्शन रे कोन कोन आलोचना करै छी को संपर्क व्यवस्थापिका संपर्क प्रशासनिक संपर्क बा लेजिस्लेटिव रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्लियर देन ए जो एकादश भाग रे प्रथम अध्याय रे आलोचना करा जाय छी व्यवस्थापिका संपर्क द्वितीय भाग रे बा द्वितीय अध्याय रे आलोचना करा जाय छी प्रशासनिक संपर्क देन ए जो 12th सेक्शन अछि बा द्वादश भाग अछि द्वादश भाग रे आलोचना करा जाय छी इकोनॉमिक रिलेशन बा आर्थिक संपर्क क्लियर इज दैट क्लियर त नामे ए तीनोटी रिलेशन रे जो धारा अछि जो आर्टिकल अछि तको पढिबो प्रथमे तीनोटी रिलेशन क्लियर की ओके एबे एको नोट बनाइ दियो स्क्रीनशॉट नै जाओ मुकुली भौजी वेरी गुड तमरे स्पेशल वीडियो सीरीज चलिबो जे पर्यंत संपर्क तीनटा सरची स्पेशल वीडियो सीरीज चलिबो तापरे हमें कंटिन्यू करिबा हमरो कोन ना डेली क्लासेस हमर जेमिति आज यूजुअल पढ़ा हुए गणतंत्र परे गणतंत्र पढ़ाई के हमर अछि पॉलिटिकल साइंस रे चैप्टर वाइज तापरे हमें गणतंत्र पढ़ु स्टार्ट करियो ओके वेरी गुड देन हमर फर्स्ट टॉपिक आज देखिबा कोन ना व्यवस्थापिका संपर्क बा लेजिस्लेटिव रिलेशंस ओके लेजिस्लेटिव रिलेशंस देखो व्यवस्थापिका संपर्क विषय रे तुमको कहा गला जे व्यवस्थापिका संपर्क यूनियन स्टेट रिलेशन भीतर गोटिए रिलेशन इंपोर्टेंट रिलेशन फर्स्ट रिलेशन जहा 11th सेक्शन रे जहा कोठी एकादश अध्याय रे ए सॉरी एकादश भाग रे प्रथम अध्याय रे वर्णित फर्स्ट चैप्टर रे वर्णित ताने ए जो व्यवस्थापिका संपर्क एकादश भाग 11th सेक्शन फर्स्ट चैप्टर प्रथम अध्याय रे वर्णित ओके ए जो व्यवस्थापिका संपर्क आम संविधान रे केउ धारा मध्ये रे वर्णित व्यवस्थापिका संपर्क आम संविधान रे आर्टिकल मध्यरे वर्णित देख सिंपल कथा लक्ष्य करो जे आम संविधान रे केउ धारा मध्य जो तुम क्वेश्चन पचरा जाए जे आम संविधान रे केउ धारा मध्य व्यवस्थापिका संपर्क वर्णना कर तुम आंसर कौन आसो सर आम संविधान रे केंद्र राज्य मध्य जो व्यवस्थापिका संपर्क अछि से व्यवस्थापिका संपर्क धारा आर्टिकल जे 245 रु 253 मध्ये वर्णित देखो सिंपल कथा जे आमे धारा 245 रु 253 मध्ये रे जो यूनियन स्टेट रिलेशन लॉ लेजिस्लेटिव रिलेशन वर्णना कर जाय छि बा व्यवस्थापिका संपर्क वर्णना कर जाय छि तो ता भीतर आमे देखिबा जे सब धारा 246 धारा 247 धारा 248 251 252 253 तो एक की धारा व्यवस्थापिका संपर्क आलोचना कर देख आमे ए जो व्यवस्थापिका संपर्क भीतर धारा 247 पढ़ा धारा 247 ओके धारा 247 आमर जो तुम सिलेबस ना तुम सिलेबस धारा 250 247 विषय आलोचना करना तापर देख धारा 247 आम संविधान अच्छी किंतु ये व्यवस्थापिका संपर्क भितर आलोचना ना तेनाली धारा 247 को किसी मन रखा दरकार ना तुम
ଭେରି ଗୁଡ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହା ଧାରା 245 253 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଧାରା ଓକେ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଧାରା କ'ଣ ଧାରା 245 ଧାରା କେତେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଧାରା ଯେ ଧାରା 245 ହଁ ତ ଆମେ ଧାରା 245 ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଧାରା 245 କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଧାରା 245 କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ କମନ୍ କହୁଛି ଯେ କମନ୍ କଥା କିଛି କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର କାମ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର କାମ କ'ଣ ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ର କାମ କ'ଣ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ର କାମ କ'ଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଧେ ଆମର 8-9 କ୍ଲାସ୍ରେ କି 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସରକାରର କେତୋଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କେତୋଟି ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କେତୋଟି ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର 3 ଅଙ୍ଗ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ କୁହ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ କୁହ ହଉ ସରକାରଙ୍କର 3 ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା 3 ଅଙ୍ଗ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ 8-9-10 ବା ହାଇସ୍କୁଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର 3 ଅଙ୍ଗ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ'ଣ କରେ ନା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ'ଣ କରେ ନା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ ବା କ'ଣ ମେଦଲ ଲ ତିଆରି କରେ ଲ ମେକ୍ କରେ ଲ କୁ କ'ଣ କରେ ଯଦି 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 ଧାରାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ'ଣ କରେ ଧାରାକୁ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିଥାଏ ନୂଆ ଧାରା ବି ଆଡ୍ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର କାମ ହେଲା ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ କ୍ଲିଅର ନା ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା ଭେରି ଗୁଡ୍ ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ ଏଇଟା ଏଇଟା କମନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରା ଯେତିକି ଦେଖିବା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ଯେଉଁ 8 ଧାରା ଏଠି ଦେଖିବା ଏଇ 8 ଧାରାର କାମ ହେଲା ଏଇ 8 ଧାରା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲିଅର ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦେନ୍ ଏଇ 8 ଧାରା ଆମର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ 8 ଧାରା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଧାରା 245 କହୁଛି ଧାରା 245 କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଆୱାର ଆୱାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଦ ପାୱାର ଟୁ ମେକ୍ ଏନି ଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଦ ପାୱାର ଟୁ ମେକ୍ ଏନି ଲ ଇନ୍ ଦ ହୋଲ ଟେରିଟୋରୀ ଅର୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟେରିଟୋରୀ ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖ ସିମ୍ପୁଲ କଥା କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ଧାରା 245 ଧାରା 245 କହୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସଂସଦ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଭାରତର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ସିମ୍ପୁଲ କଥା ଧାରା 245 ଏଇଆ କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ କେଉଁଠି ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତର ହୋଲ୍ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଏଇ ଅଧିକାରଟା କିଏ ତାକୁ ଦେଇଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 245 ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲିଅର ଭେରି ଗୁଡ୍ ସଂସଦ ବା ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର କାମ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ସଂସଦ ଭାରତର ଆଉ କେଉଁ ଦେଶର ନୁହେଁ ଆମ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି ଆମ ଭାରତ ଭିତରେ
संसद भारतर जेकोसी अंचल ओ एक जेकोसी अंचल ओ समग्र समग्र अंचल पाई आईन प्रणयन करी पारियो आईन प्रणयन करी पारियो के गुजे कथा धारा 245 सिंपल हां देन धारा 245 पर धारा 246 कोन कोची हम संविधान रे धारा 246 व्यवस्थापिक संपर्क विषय आलोचना करे आईन प्रणयन विषय आलोचना करे धारा 246 कोन देखो धारा 246 कोची तारा 246 कहुची जे हमर जो यूनियन ऑफ स्टेट मध्ये रे केंद्र आउ राज्य मध्ये रे केतेक विषय वस्तु उपरे आईन प्रणयन करबा को नेई कि आईन प्रणयन करबा को नेई कोन हेची ना केंद्र आउ राज्य मध्ये रे किछि भाग भाग कर जायची तालिका ता माने फॉर एग्जांपल केउ विषय उपरे केंद्र सरकार आईन प्रणयन करिवे केउ विषय उपरे राज्य सरकार आईन प्रणयन करिवे आउ केउ विषय उपरे उभय सरकार आईन प्रणयन करिवे मु कथा बुझी परछ कि नहीं धारा 246 कहउची केउ विषय उपरे केंद्र सरकार केउ विषय उपरे राज्य सरकार आउ केउ विषय उपरे उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार आईन प्रणयन करिवे सेही कथा बा सेही जो लिस्ट बना जायची धारा 246 अंडर अंडर दिस आर्टिकल 246 ओके अंडर दिस आर्टिकल 246 जे इंडिया बा इंडियन यूनियन स्टेट रिलेशन रिलेशंस बा हमे लेखि परिबा यूनियन स्टेट रिलेशंस ऑफ थ्री लिस्ट केते थ्री लिस्ट से थ्री लिस्ट कोन यूनियन ऑफ स्टेट मध्ये जो तीनटा लिस्ट कराई छी कोन गोटाला यूनियन लिस्ट गोटाला स्टेट लिस्ट आउ गोटे तमर कोन हला ना यूनियन आउ स्टेट लिस्ट परे कंकरेंट लिस्ट सिंपल कथा यूनियन लिस्ट हला केंद्र तालिका स्टेट लिस्ट हला राज्य तालिका कंकरेंट लिस्ट हला जुग्म तालिका जुग्म मींस दि जण जुग्म मींस ए जो केंद्र और राज्य उभय तालिका क्लियर ना धारा 246 रे को धारा 246 रे वर्णना कर जाई छी जे कोन ना धारा 246 रे वर्णना कर जाय छी संविधान रो सप्तम अनुसूची संविधान रो सप्तम अनुसूची केंद्र ओ राज्य मध्ये रे संपर्क केंद्र ओ राज्य मध्ये रे तालिका को तीन भाग रे विभक्त कराय छी बा केंद्र ओ राज्य मध्ये रे तीनोटी तालिका तैयारी करा जाय छी कोन कोन से तालिका गोटाला यूनियन लिस्ट बा केंद्र तालिका ओके देन केंद्र तालिका परे राज्य तालिका देन जुग्म तालिका देखो मैं लिभे दो छी तुम टिक असुविधा हो छी तो करे पे मत टिक असुविधा हो छी लिखिया को लिभे दो छी ओके त देन केंद्र तालिका राज्य तालिका औ जुग्म तालिका ओके ये थिला धारा 246 रे 246 रे केंद्र तालिका रे धारा 246 रे केंद्र तालिका रे एमिति बहुत गुडे विषय वस्तु अछि हमें देखिबा केतो विषय वस्तु अछि केंद्र तालिका रे एमिति किछ विषय वस्तु अछि जेउ विषय वस्तु उपरे आईन प्रणयन केवल केंद्र सरकार करियो बा संसद करियो देखो सिम कोन से कहू छी केंद्र तालिका रे विषय वस्तु संख्या केते ना 99 केंद्र तालिका रे विषय वस्तु 99 टी अछि त
तो जो अनेश्वरती विषय वस्तु अच्छी अनेश्वरती विषय वस्तु परे केंद्र सरकार बा संसद आईन प्रणयन करिवे राज्य सरकार करि परिवे नाही तले केंद्र तालिका पर आईन प्रणयन करिवे के केंद्र सरकार केंद्र तालिका रो विषय वस्तु संख्या केते 99 आउर कथा मन रखो जते बेला हम संविधान तयार हेतिला हम मूल संविधान रे केंद्र तालिका रो विषय वस्तु संख्या थिला 97 तने एठी लेखि दउ छी जे मूल विषय वस्तु 97 वर्तमान अछि वर्तमान 99 केंद्र तालिका ऊपर के के आइन प्रणयन करिवे केंद्र सरकार आउरी गोटा इंपोर्टेंट कथा मन रखो एग्जांपल से विषय वस्तु कोन से विषय वस्तु कोन जहां पर केंद्र सरकार बा संसद आइन प्रणयन करिवे जेमिते हम नै परिबा कोन रेलवे जेमिते हम नै परिबा कोन ना युद्ध शांति जेमिते हम नै परिबा जे वैदेशिक संपर्क जेमिते हम नै परिबा विमान चलाचल जेमिते हम नै परिबा कोन ना ए जो आंतरजातिक संपर्क तो ए विषय रे के आइन प्रणयन करे के केंद्र सरकार कोनसी राज्य विषय आइन प्रणयन करिवो नै ए विषय आइन प्रणयन करिवो के केंद्र सरकार क्लियर वेरी गुड देन सेकंड इज राज्य तालिका देखो राज्य तालिका ऊपर आइन प्रणयन करे के राज्य सरकार राज्य सरकार राज्य तालिका ऊपर आइन प्रणयन करे एवं राज्य तालिका रो मूल विषय वस्तु संख्या थिला केते 66 मूल विषय वस्तु थिला संख्या केते थिला 66 वर्तमान राज्य तालिका रो विषय वस्तु संख्या 61 कमी जाई पास्टा वर्तमान राज्य तालिका विषय वस्तु केते 61 एग्जांपल राज्य सरकार केम को विषय उपरे आइन प्रणयन करि परिबे ना एग्जांपल होउची पुलिस एग्जांपल होउची श्रृंखला एग्जांपल होउची कृषि एग्जांपल होउची जलसेचन तो यार एई जो विषय वस्तु उपरे आइन प्रणयन करिबे के ना राज्य तालिका देन थर्ड ई जुग्म तालिका ए जुग्म तालिका ऊपर के आइन प्रणयन करिवे जुग्म तालिका ऊपर आइन प्रणयन करिवे के ना उभय केंद्र सरकार ओ राज्य सरकार जुग्म तालिका ऊपर के आइन प्रणयन करिवे उभय केंद्र सरकार ओ राज्य सरकार इज दैट क्लियर वेरी गुड देन जुग्म तालिका ऊपर केंद्र सरकार ओ राज्य सरकार आइन प्रणयन करिवे ए जो जुग्म तालिका रो विषय वस्तु मूल विषय वस्तु संख्या थिला केते ना मूल विषय वस्तु संख्या थिला 47 वर्तमान अछि 52 जुग्म तालिका एग्जांपल विवाह पंजीकरण विवाह जन्म मृत्यु पंजीकरण विवाह पंजीकरण तो ये सब होला जुग्म तालिका रो विषय वस्तु पाठागार निर्माण रंगशाला फिल्म हॉल ये सब ऊपर किए आइन प्रणयन करिवो उभय केंद्र सरकार ओ राज्य सरकार ये तिला तमर धारा केते धारा 246 क्लियर त 247 को हम लेखिवानी धारा 248 धारा 248 कौन कहूँची धारा 248 कहूँची जे ये जो तीनोटी तालिका व्यतीत ये जो तीनोटी तालिका व्यतीत जदि किसी विषय वस्तु रही जाऊँची ये तीनोटी तालिका व्यतीत जदि किसी विषय वस्तु रही जाऊँची ताकू हमें क्यों तालिका अंतर्भुक्त करती अवशिष्ट तालिका तकमे करंती अवशिष्ट तालिका धारा 248 धारा 248 रे तीनोटी विषय वस्तु को छाड़ देला परे जो तालिका हमर बळी जाए ताकू अवशिष्ट तालिका बा हम ताकू कहंती रेसिडुअरी रिलेशन ओके तो जो धारा 248 कहूची ये जो अवशिष्ट तालिका उपरे आइन प्रणयन करिवो के संसद बा केंद्र सरकार अवशिष्ट तालिका उपरे बा रेसिडुअरी रिलेशन उपरे तो कोन इट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर इंडियन पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन रेसिडुअरी रिलेशन उपरे लॉ के बनेइबो ना केंद्र सरकार बा संसद धारा 248 अंडर रे आर्टिकल 248 अंडर रे क्लियर देखो धारा 245 246 248 क्लियर देन हमें देखिबा धारा 249 धारा 249 कौन कहूँ धारा 249 कहूँ जदि जातीय स्वार्थ को दृष्टि रखी देशर स्वार्थ को दृष्टि रखी कौन ना केंद्र सरकार देशर स्वार्थ को दृष्टि रखी केंद्र सरकार कौन करिवे ना राज्य तालिकाभुक्त विषय वस्तु पर आइन प्रणयन करिवे सिंपल कथा देशर स्वार्थ को बा जातीय स्वार्थ को दृष्टि रखी जातीय स्वार्थ को दृष्टि रखी संसद
राज्य तालिका उपरे आइन प्रणयन करिवो के परि सेमिति कर दबो ना ना तो राज्य तालिका उपरे संसद आइन प्रणयन करिवो से किपरि करिवो ना गोटे प्रोसेस देई जिवो केमिति ना से राज्यसभारु दुई तृतीयांश भोट आणिवो तो राज्यसभारु से दुई तृतीयांश भोट आणिवो राज्यसभारु दुई तृतीयांश भोट आणि से एक वर्ष पई केता वर्ष पई एटा एटा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जिनस मन रखो एक वर्ष पई 1 इयर पई से लॉ टाकु से बलवत्तर रखि पारिबो किए संसद जातीय स्वार्थ को दृष्टि रखि गोटे वर्ष पई राज्य तालिका उपरे आइन प्रणयन करि पारिबो राज्य सभारु दुई तृतीयांश भोट पई राज्य सभारु दुई तृतीयांश भोट पई को लेखि दियो अटी राज्य सभा भी मन रखो राज्य सभारु दुई तृतीयांश भोट पई संसद राज्य तालिका उक्त विषयवस्तु पर आइन प्रणयन करि पारिबो जातीय स्वार्थ को दृष्टि रखि एक वर्ष पई जदि पुणी एक वर्ष पर पुणी तक करिवार अछि पुणी राज्य सभारु दुई तृतीयांश भोट आनिबो बुझि पाइले कि नै वेरी गुड एथिला धारा 249 ले एबे मुले लिबौ जे को देखिनियो टिके स्क्रीनशॉट मारिनियो मे को लिबौ जे धारा हमर सहला 249 कोची गोटा वर्ष पई संसद राज्य तालिका भुक्त विषयवस्तु राइन प्रणयन करिवो जे राज्य सभारु दुई तृतीयांश भोट नै तापर देखियो हमें धारा 250 कोन कहूची धारा 250 कहूची जातीय जरूरी परिस्थिति समय रे को परिस्थिति समय रे जातीय जरूरी परिस्थिति समय देख तुम पढ़ी फर्स्ट ईयर में जातीय जरूरी परिस्थिति आमर केतोटी अच्छी जरूरी परिस्थिति तीनोटी अच्छी गोटे धारा 352 गोटे धारा 356 गोटे धारा 360 जातीय जरूरी परिस्थिति राज्य जरूरी परिस्थिति आर्थिक जरूरी परिस्थिति से कहूँ जातीय जरूरी परिस्थिति समय रे केंद्र सरकार कौन कर राज्य तालिकाभुक्त विषय वस्तु पर आइन प्रणयन कर देख सिंपल कथा से कौन कहूँ ना जातीय जरूरी परिस्थिति समय रे संसद व केंद्र सरकार राज्य तालिका विषय वस्तु पर राज्य तालिका विषय वस्तु पर आइन प्रणयन कर किए ना केन्द्र सरकार व संसद के धारा अंडर धारा 250 हाँ तो केंद्र सरकार बा संसद हाज द पावर टू मेक लॉ कौन ना इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी इमरजेंसी सिचुएशन ले कौन करिवो ना संसद आइन प्रणयन करिवो राज्य तालिकाभुक्त जे कोनसी विषयवस्तु उपरे ये थिला धारा 250 देन धारा 251 रे कौन कहू धारा 251 कहू जदि जदि धारा 249 आउ 250 को जदि धारा 249 आउ 250 को जदि राज्य सरकार बा राज्य सरकार रो कोनोसी भी आइन राज्य सरकार रो कोनोसी भी आइन जदि धारा 249 आउ 250 को विरोध करे जदि राज्य आइन विरोध करे कहबु धारा 249 आउ 250 को जदि विरोध करे तबे जे पर्यंत केंद्र आइन बलवत्तर थिबो जे पर्यंत संसद आइन बलवत्तर थिबो ता माने सेठी एक वर्ष पई आमे देखले धारा 249 ले एक वर्ष पई 250 आमे देखले जातीय जरूरी परिस्थिति समय रे तनो एही जो सिचुएशन जे पर्यंत चली थिबो से पर्यंत राज्य आइन अकामी हे जिवो राज्य आइन काम करिवो नाही का आइन काम करिवो ना केंद्र आइन बा संसद आइन संसद आइन काम कर राज्य आइन जदि विरोध कला धारा 249 आउ 250 को तेणु ये जो 249 आउ 250 सिचुएशन चलता समय रे संसद आइन बलवत्तर केंद्र आइन बलवत्तर राज्य आइन को अकामी कर दिया जीव इज दैट क्लियर वेरी गुड देन धारा 252 धारा 252 कौन कह लक्ष्य कर धारा 252 को 2 कह जदि जदि दुई रु अधिक दुई किंबा ततोधिक दुई किंबा ताठारु अधिक राज्य मन रख दुईटी राज्य किंबा दुई रु अधिक राज्य जदि
दुईट राज्य किंवा दुईर अधिक राज्य जदि कौन कले ना जदि केन्द्र सरकार को अनुरोध कले संसद को अनुरोध कले कहले कौन ना राज्य तालिकाभुक्त विषय वस्तु उपरे आईन प्रणयन करंतु जदि दुई किंवा ततोधिक राज्य कौन कले ना केन्द्र सरकार को अनुरोध कले संसद को अनुरोध कले कि आमर जो विषय वस्तु उपरे आपण आईन प्रणयन करंतु तेणु संसद कौन कर जेतोटी राज्य अनुरोध करेंगे दुईट कि दुई अधिक राज्य जेतोटी राज्य अनुरोध करेंगे संसद से राज्य आईन प्रणयन कर संसद से जो दुईट राज्य कि दुई अधिक जेतोटी राज्य अनुरोध करेंगे राज्य तालिकाभुक्त विषय वस्तु आईन प्रणयन करने संसद से विषय वस्तु से राज्य आईन प्रणयन कर इज दैट क्लियर वेरी गुड वेरी गुड देन तापरे धारा 253 धारा 253 जे व्यवस्थापिक संपर्क रे शेष धारा 253 कहूची जे इंटरनेशनल ट्रीटी आउ इंटरनेशनल एग्रीमेंट से कहूची से कहते तुम्हार धारा 253 अंडर आर्टिकल 253 जे पार्लियामेंट हाज द पावर टू मेक लॉ द होल टेरिटरी एंड एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया जे भारत सरकार कहते जे इंटरनेशनल ट्रीटी आउ इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्षेत्र में क्या पाखे पावर अच्छी ना संसद पाखे पावर अच्छी संसद हाज द पावर टू मेक लॉ to make law according to international treaty or international agreement to international treaty or international agreement situation re ba kon karibo na sansad bharatara whole territory kimba particular territory pai ain pranan kari paribo ye kouchi under article 253 अंडर आर्टिकल 253 जे इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ट्रीटी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन हिज ओन होल टेरिटरी और एनी पर्टिकुलर टेरिटरी क्लियर धारा 253 कंप्लीट धारा 253 कहूँ संसद